और भी ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी वेब चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, हिंदी वेब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस प्रकार से KBC को लाइव अपने एंड मोबाइल पर किस प्रकार से खेल सकते हैं और खेलकर आप इसके अंदर अच्छे अंक किस प्रकार से ले सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है जो KBC गेम है वो 28 अगस्त को चालू हो चुका है और इसका जो टाइमिंग है वो सोमवार से शुक्रवार तक है और ये 9 बजे चालू हो जाता है। यदि आप इसको लाइव प्ले करना चाहते हैं अपने एंड मोबाइल के अंदर तो आपको 9 बजे अपने एंड मोबाइल के अंदर इसको प्ले करना होता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता लेता हूँ आप किस प्रकार से लाइव इसको अपने एंड मोबाइल के अंदर किस प्रकार से खेल सकते हैं। तो यदि दोस्तों आप KBC को लाइव अपने एंड मोबाइल के अंदर खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से जियो चैट की जो ऐप है इसको अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर रजिस्टर करना है। यदि आपके पास जियो की सिम है तो आप डायरेक्ट इसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं और रजिस्टर करने के बाद आप इसके अंदर जो भी अपनी लैंग्वेज लेना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप इसके अंदर चूज कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आप जियो की सिम यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो अकाउंट है इसके अंदर रजिस्टर हो जाता है, केवल आपको ओके पे क्लिक करना होता है जिससे कि आप इसके अंदर ऑटोमेटिक रजिस्टर हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यदि आप इसके अंदर लाइव खेलना चाहते हैं तो आपको पता ही है जो KBC का जो गेम है वो 9 बजे चालू हो जाता है। तो आपको 9 बजे इसके अंदर आकर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है जियो KBC प्ले अलोंग, तो आपको उस पर क्लिक करना है जिससे कि आप इस गेम को लाइव अपने एंड मोबाइल पर खेल सकते हैं। यदि आपका जो टाइम है वो कब चालू होने वाला है वो आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे शो हो जाता है कि आपका जो टाइम है वो कब चालू हो जाने वाला है। तो इसके लिए आपको उस समय तक वेट करना है जिससे कि आपको उसके बाद में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आपको आंसर देना होता है। अब यदि दोस्तों आपको पता नहीं कि आपको किस प्रकार से इस गेम को प्ले करना है, इसके नियम क्या हैं, आपको किस प्रकार से इसको समझना है या किस प्रकार से खेलना है, यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है कैसे खेले, तो आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाती है कि आपको किस प्रकार से खेलना है, कौन से समय पर खेलना है और इस प्रकार से यहाँ पे आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अंदर दोस्तों सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको जो टाइमिंग दिया जाता है वो यहाँ पे बहुत ही कम दिया जाता है। आपको जो टाइमिंग की जो यहाँ पे डिटेल दी हुई है इसको आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि जो टीम में समय दिया जाता है वो समय ज़्यादा दिया जाता है और इसमें आपको उसका आधा समय दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे टाइमिंग का ध्यान में रखना है फिर आपको इसको प्ले करना है। इसके अलावा दोस्तों इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको यहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाती है जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने के लिए आपको डायरेक्ट अपने एंड मोबाइल के अंदर मिल जाता है, आप डायरेक्ट इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब यदि दोस्तों आपको लगता है कि आपको इस गेम के बारे में कोई भी डाउट है, आपको कोई भी प्रश्न है कि वो कैसे होता है, कैसे क्या है, यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है आपके प्रश्न, तो आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जान सकते हैं कि यहाँ पे KBC प्ले अलोंग क्या है। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे केवल इस प्रश्न पे क्लिक करना है जिससे कि आपको यहाँ पे उसका आंसर मिल जाता है। यदि इसी प्रकार से आपके पास और भी प्रश्न हैं, आपको कुछ और भी डाउट हैं, तो आपको केवल यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, जो भी आपको डाउट है केवल उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके जो आंसर है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको ये जानना है कि आपको इसके अंदर जो पॉइंट है वो किस प्रकार से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उन पॉइंट का उपयोग किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से यदि आपको कुछ और भी डाउट है तो उसके अंदर आपको सभी प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं, यदि आपको उसके आंसर चाहिए तो आपको केवल उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको उसके जो आंसर है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। अब मैं आपको बता लूँ कि आपको इसके अंदर कुछ और भी ऑप्शन मिलते हैं जिसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने मित्रों को इसके अंदर इन्वाइट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है मित्र बुलाएं, आप इस पर क्लिक करके अपने मित्रों को इसके अंदर इनवाइट करना चाहते हैं तो इनवाइट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने सेटिंग के अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं, आप अपने लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं, यदि आप अपने नोटिफिकेशन जो धमनी है उसको यहाँ से ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको लाइव प्ले करके बता लेता हूँ कि आपको किस प्रकार से इस गेम को लाइव प्ले करना है। तो मैं यहाँ पे 9 बजे वाले जो शो है उसको प्ले करके मैं आपको बता लेता हूँ। मैं 9 बजे का जो शो है उसको मैं यहाँ पे एक बार खेल के मैं आपको बता लेता हूँ। तो दोस्तों आप जब भी इसको लाइव प्ले करोगे तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे शो हो जाता है कि हॉट सीट पे कौन बैठा है, इस प्रकार से उसका नाम यहाँ पे आपको शो हो जाता है और साथ में आपको यहाँ पे शो हो जाता है कि आपको अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे प्रतीक्षा करनी है। तो प्रतीक्षा करने के लिए दोस्तों आपको वेट करना है।
आपको डायरेक्ट बाहर नहीं आना है, क्योंकि यदि डायरेक्ट आप बाहर आ जाते हो तो आपको यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा जाता है जिसका आपको आंसर देना होता है। तो आप यदि आप इस गेम को रेगुलर प्ले करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर बने रखना है ताकि आप उनके सभी जो प्रश्न हैं उसके आंसर आप दे सको। तो आंसर देने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे टाइमिंग शो हो जाता है कि कब आपको प्रश्न पूछा जाएगा, उसके अनुसार यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया जाता है। तो उस समय तक आपको वेट करना है और वेट करने के बाद आपका जो प्रश्न है वो आपको आपके सामने शो हो जाता है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे मेरा जो प्रश्न है वो यहाँ पे मिलने वाला है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अगले प्रश्न की प्रतीक्षा करें। तो हमें यहाँ पे कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करनी है। प्रतीक्षा करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे प्रश्न मिल चुका है और उसका आंसर मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ मिलता है सही उत्तर। इसके अलावा दोस्तों यदि आप अपने किसी भी प्रश्न का आंसर देना चाहते हैं तो आपको उस पर क्लिक करना है जिससे कि आप उसको चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपको लॉक पे क्लिक करना है जिससे कि आपका जो आंसर है वो लॉक हो जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे शो हो जाता है कि आपको जो अगला प्रश्न पूछा जाएगा उसके कितने अंक दिए जाएंगे और अभी आपके कितने अंक हैं वो यहाँ पे शो हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी शो हो जाता है कि आपके साथ कितने जने लाइव खेलने वाले हैं, यहाँ पे जो इतने भी लोग लाइव खेलते हैं उतनी संख्या आपको यहाँ पे शो हो जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको इसको खेलना एकदम सिंपल है। यदि आप इसको लाइव खेलते हैं तो आपको सबसे पहले जो प्रश्न दिया जाता है उसका यदि आंसर देना तो उस आंसर पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको लॉक पे क्लिक करना है जिससे कि आपका जो आंसर है वो लॉक हो जाता है और इस प्रकार से इसको प्ले कर सकते हैं। तो अब दोस्तों मुझे इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर मुझे देना पड़ेगा। तो इसके लिए अब मुझे यहाँ पे वेट करना है और वेट करने के बाद मुझे यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है वो यहाँ पे पूछा जाएगा। तो चलिए मैं उसके लिए थोड़े समय के लिए वेट करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो दूसरा प्रश्न है वो यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो प्रश्न है वो यहाँ पे मिल जाता है। एक बात मैं आपको बता लूँ, जो टीवी के अंदर आपको प्रश्न पूछा जाता है उससे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपको सबसे पहले इसको ओपन करना है और यहाँ पे इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो भी आपको आंसर आपका सही है उस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपने अनुसार किसी एक आंसर पे क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद लॉक पे क्लिक कर लेता हूँ जिससे कि ये लॉक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक हो चुका है। अब हमें कुछ समय के लिए वेट करना है ताकि हमें अपना जो आंसर है वो यहाँ पे मिल जाए। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ समय के लिए वेट करना है। वेट करने के बाद हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सही आंसर दिया है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपने सही समझा, मतलब यानी हमने यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वो सही आंसर दिया है। अब यहाँ पे हमें तीसरा प्रश्न पूछा गया है जिसका आंसर हमें देना है। यहाँ पे आप जैसे जैसे आंसर देते रहते हैं उस प्रकार से आपको यहाँ पे अंक मिलते रहते हैं और उस प्रकार से आपको यहाँ पे टाइमिंग भी शो हो जाता है। अब यहाँ पे हमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि हम यहाँ पे गलत आंसर देंगे तो हमें यहाँ पे गलत बताया जाएगा और यदि हम सही आंसर देते तो यहाँ पे हमें सही बताया जाएगा। खास बात दोस्तों ये है कि जो आप टीवी में शो देखते हैं उससे पहले आपको जो प्रश्न पूछा जाता है वो इसके अंदर आपको पूछा जाता है। टीवी के अंदर आपको बाद में बताया जाता है, सबसे पहले आपको इसके अंदर बताया जाता है। यदि आप यहाँ से इसको लाइव प्ले करते तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। पर इसके अंदर दोस्तों आपको जो टाइमिंग दिया जाता है वो एकदम आधा दिया जाता है, मतलब आपको जो भी आंसर देना है वो कम समय में देना होता है। तो आपको जल्दी से जो भी प्रश्न है उसका आंसर आपको देना है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको इस गेम को प्ले करना है। जैसे ही आपको प्रश्न दिए जाते हैं उसके आपको आंसर देने हैं और आंसर देने के बाद यदि आपका आंसर सही होता है तो आपको सही बताया जाता है और यदि आपका जो आंसर गलत होता है तो आपको गलत बताया जाता है। इसमें आपको लाइफ टाइम वगैरह कोई ऐसा मिलता नहीं है, आपको जैसे भी इसको प्ले करना है डायरेक्ट आप प्ले कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने गलत आंसर दिया तो आप बाहर आ जाते हैं, आपको रेगुलर इसको प्ले करते रहना है। आप रेगुलर इसको प्ले करके आप रेगुलर इसके अंदर अंक ले सकते हैं और अंक यहाँ से जीत सकते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कई सारे प्रश्न धीरे धीरे पूछे जाते हैं। आप इसको यहाँ से देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से देख सकते हैं, मैंने पहले बहुत सारे प्रश्न के आंसर दिए और आंसर देके मैंने इतने सारे यहाँ पे कॉइंस बना लिए हैं, मतलब मैंने इतने सारे यहाँ पे अंक बना लिए हैं। अब यदि दोस्तों आप इस गेम को प्ले कर लेते हैं और प्ले करने के बाद यदि आप देखना चाहते हैं कि आपके जो पॉइंट कितने बने हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है लीडर बोर्ड, आपको उस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप यहाँ से आज के जो पॉइंट है वो यहाँ से देख सकते हैं। और यदि आप अपने रोज के पॉइंट देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है मेरे अंक, तो आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने अंक यहाँ से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने जो अंक है वो है 2940। तो इस प्रकार से आप यहाँ से अपने अंक देख सकते हैं और यहाँ से बाहर आना हो तो बाहर भी आ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा गेम है दोस्तों। इसके अंदर आपको मेन बात यह है कि जो आपको प्रश्न दिए जाते हैं वो सबसे पहले आपको इसके अंदर मिलते हैं, फिर आपको टीवी के अंदर शो हो जाते हैं,
पर इसके अंदर आपको टाइमिंग कम दिया जाता है, जो कि आपको जल्दी से आंसर देना होता है। आप जल्दी से आंसर देके आप इसके अंदर अच्छे अंक बना सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो बेल का आइकन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है, जिससे कि आपको हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो है उन सब का बेल के द्वारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।